हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और न्यू ब्लॉग। सो आज हम घूमने जा रहे हैं ज्वाला जी टेम्पल। सो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कल हमने स्टे किया था अपने मामा के घर। सो अभी हम देहरा में हैं और देहरा से 15-16 किलोमीटर आगे ज्वाला जी टेम्पल है। तो गाइस अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं। सो अभी हमने कुछ नाश्ता भी नहीं किया, तो रास्ते में चलते वक्त कर लेंगे कोई शॉप में। तो अभी आप देख सकते हैं, फाइनली आज का मौसम तो नेक्स्ट लेवल ही है और धूप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसलिए हमने सुबह सुबह जाना प्रेफर किया। और आप देख सकते हैं, फाइनली हम ब्यास रिवर ब्रिज पे आ चुके हैं और इसी रिवर पे टोंग डैम बना हुआ है। सो आप देख सकते हैं, आधे से ज़्यादा तो सूखी पड़ी हुई है ब्यास रिवर। और इधर मैं छोटू भाई जी को बोल रहा था, वो अपना जो भी आपका हेलमेट डाल कर रखे, चला ना हो जाए, इधर काफ़ी ज़्यादा मंदिर हमें एक्सप्लोर करना महंगा पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ज्वाला जी टेम्पल। सो अभी हमने इधर अपनी पीछे बाइक पार्क कर दी है और अभी हम बढ़ रहे हैं टेम्पल। और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी हैं, जैसे देख सकते हैं सुबह सुबह ही भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तू कहाँ दिख रहे, मैं कहाँ दिखता रहा, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग टेम्पल के घूमने के लिए आए हुए हैं। सो यहाँ पर हमारे छोटू भाई जी के रिलेटिव्स थे। सो सबसे पहले हम उनको ढूंढ रहे हैं, उनकी इधर शॉप है। सो उनसे मिलेंगे, फिर सीधा जाएंगे टेम्पल। तो अभी हमारा ढूंढने का उनको प्रोसेस चालू हो गया है। तो फ्रेंड्स, वापस हमने अभी मंदिर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे को नहीं लग पा रहा दर्शन हमारे हो पाएंगे। सो फिर भी हमने इधर पूरी अपनी कोशिश, और गाइस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, लोगों को बता दूं, हमने देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग प्राणी हमें देख रही है। तो लाइन में एंट्री होगी, लाइन में एंट्री में तो मेरे को लग रहा है 1-2 घंटे लग जाएंगे आराम से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हमने स्टोरी डाल दी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर से वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो हमारे आज दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि मंदिर में रश काफ़ी ज़्यादा था, तो जिसके कारण हमें वो अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा। अगर फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर से इस मंदिर में आएंगे, तो उस मंदिर को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी रास्ते में छोटू भाई जी का घर आएगा, तो हम वहाँ पर आज स्टे करें, क्योंकि हमारा घर तो काफ़ी दूर है, तो हमें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम इधर पहुँच चुके हैं। सिंह राणा जी आइए।